बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। 2 बिग साइज़ के मैंने पोटैटोज़ ले लिए हैं, उनको क्रश कर लिया है। बीच में थोड़ा सा सॉल्ट और पानी डाल के आधे घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, ठीक है। आधे घंटे के बाद मैं आपके सामने देख सकते हैं कैसे स्क्वीज़ कर रही हूँ, अच्छे तरीके से पानी निचोड़ रही हूँ हाथों की हेल्प से, अब कपड़े की हेल्प से या फिर छन्नी की हेल्प से या फिर पता नहीं जिन मर्जी अपने तरीके नाल निचोड़ लो पानी। बस एक कतरा पानी का बेचना छड़ो, ठीक है। चंगे तरीके ने कुट कुट के बस तुसी जड़े ना अपने आलू निचोड़ लेने। उसके बाद बड़े बड़े मेरे पास मोटे मोटे से ताज़े ताज़े पले हुए आलू थे 2, और पला हुआ प्याज था 1। तो मैंने फिर एक ही प्याज ऐड किया और उसको चॉप कर लिया अच्छे तरीके से, और फिर जो अनसन है इसमें मैं ऐड कर दूंगी। 2.5 टेबल स्पून मैंने कॉर्न स्टार्च के लिए सॉल्ट, ओरिगानो, चिली फ्लेक्स और चाट मसाला जी ऐड करना है। ओरिगानो और चिली फ्लेक्स हम बाद के लिए थोड़े से बचा लेंगे, यहाँ बोतियाँ बचाना कर दो हाथ रोक के, ठीक है। ऐ ना है कि मुँह छुपाया ना जाए बाद जो इतना स्पाइसी हो जाए। तो बस इसको अच्छे से आपने कर लेना है मिक्स, और आपको अगर लगे कॉर्नफ्लोर, अच्छा मैदा भी ऐड कर सकते हैं आप अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था थोड़ा कम है तो फिर मैंने और थोड़ा सा ऐड कर दिया, और फिर इसको अच्छे से आपने कर लेना मिक्स। ऐसा जब रेडी हो जाएगा तो फिर आपने एक पैन ले लेना है, और पैन में ना आपने ब्रश की हेल्प से ना अच्छे से ऑयल लगा के ना स्पून की हेल्प से फिर आपने अपना बैटर डालना है और उसकी शेप बना लें। कोई भी बना लो, सितारे बना लो, गोल बना लो, लंबी बना लो, जैसी मर्जी आपका जो दिल करे ना वैसी शेप बना लें। और जो है ना हल्की आँच पे ना बिल्कुल लो फ्लेम करके ना आपने दम पे इसको रख देना है। 5 से 7 मिनट लगेंगे आपको, और बीच में जो पानी होगा ना इस बैटर के एंड पे वो पानी भी आपने स्पून की हेल्प से ना डालते जाना है साथ साथ, ठीक है जी। सारे गोल्डन हो गए थे तो मैंने ना चीज़ में ना जो शिमला मिर्च है ना वो मैंने चॉप करके डाली है, बहुत ही इसका अच्छा फ्लेवर आता है तो आप भी ज़रूर डालिएगा। तो यहाँ पे ना हम चीज़ जो है ना वो सारों के ऊपर डाल देंगे, और जो चिली फ्लेक्स और ओरिगानो रखे हैं ना हमने वो भी हम सब के ऊपर जो है ना डाल देंगे, और फिर इसको दम पर रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, और बाद में देखेंगे दम जो है ना हटा के कि ये हो गया है ब्राउन तो फिर उतार लेंगे, प्लेटिंग कर लेंगे, और जी सर्व करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और इंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।